हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। और हमारा ये यूनिट थर्ड का सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है शिक्षा के सार्वभौमिकरण, मतलब शिक्षा में कौन से सार्वभौमिकरण हैं उसके बारे में हम जानेंगे, कौन से नेक्स्ट चैप्टर में है। तो आज का चैप्टर है नेक्स्ट शिक्षा के सार्वभौमिकरण, और पार्ट इसका है वन पार्ट, इसका आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ से स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। शिक्षा की किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क रूप से उपलब्ध सुनिश्चित करना, मीन्स शिक्षा के अंतर्गत निश्चित स्तर एक निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। किसके अंतर्गत? शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत। इससे पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा था कि शिक्षा के समानता के बारे में पढ़ा था हमने, शिक्षा शैक्षिक समानता के बारे में पढ़ा था। और अब इसका पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट यह है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण, मतलब शिक्षा की सुनिश्चित अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना या निश्चित रूप से प्रदान कराना है। तो ये शिक्षा जो है, ये शिक्षा बालकों के लिए होती है। छोटे, अगर भी छोटे स्तर के जो बालक होते हैं, 14 वर्ष तक के बालक जो होते हैं, उनके लिए ये शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गई है। और इस शिक्षा का प्रावधान सर्व शिक्षा सार्वभौमिकरण के अंतर्गत रखा गया है। तो इसके बारे में हमने समझ लिया है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है 14 वर्ष तक की आयु के जो भी बालक रहते हैं, या जो भी लोग उसके ऊपर के जो भी लोग हैं, उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। लेकिन विशेष रूप से ये शिक्षा 14 वर्ष तक के बालकों के लिए ही रखी गई है। इसके बारे में कुछ परिभाषा हमें यानी रखी है, चलिए समझ लेते हैं कि किस शिक्षा शास्त्री ने क्या परिभाषा अपने शब्दों में दी है, इनको हम समझ लेते हैं। तो पहला है जेपी नायक के अनुसार, इन्होंने क्या लिखा है अपने शिक्षा की परिभाषा में। इन्होंने लिखा है प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति पूर्ण देश के सामाजिक आर्थिक व सामान्य विकास का सूचक है। इनका कहना है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण के अंतर्गत क्या है, प्राथमिक शिक्षा की प्रगति पूर्ण देश के सामाजिक आर्थिक व समान विकास का सूचक है। मतलब अगर प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है वो अच्छी होगी तो क्या होगा, देश की प्रगति के लिए हम सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से विकास कर सकते हैं। ये इसका सूचक है। किसका सूचक है? सार्वभौमिकरण का सूचक है। नेक्स्ट क्या है इसके अनुसार है, पीएम सेन के अनुसार इन्होंने क्या लिखा है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण ने ब्रिटिश संसद के डाफ कोर्ट में हलचल कर दी थी, तथा भारत के राज्य स्तरीय सचिव ने भारतीय शिक्षा के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान देने के लिए सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। जो पी एस सेन है, इन्होंने जब परिभाषा दी कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस प्रकार से होना चाहिए, तो जब इनकी परिभाषा आई है तो भारत के जो राज्य हैं और जो भारतीय सचिव के लोग हैं, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया और इस बात पे इन्होंने अमल भी किया। और इस ये जो बातें कही गई हैं, इन बातों को सुनने से ये आकर्षित भी हो गए थे। तीसरा क्या है, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं है। इनका कहना है कि शिक्षा जो है वो केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह विचारों की
जन्म स्थली है। यह न केवल नागरिकता का विद्यालय है बल्कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का मार्ग है। मनुष्य अपने आत्मा व सत्य की खोज के लिए इससे प्रशिक्षण लेता है। गाना है डॉक्टर राधा कृष्ण का कि जो शिक्षा है वो केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि विचारों का जन्म समय इससे विचार भी उत्पन्न होते हैं। इससे आध्यात्मिक विचार जीवन को भी मार्ग मिलता है और एक अच्छा नागरिक बनने में भी सहायता करता है। कौन? शिक्षा। और मनुष्य की अपनी आत्मा शक्ति की खोज कर सकता शिक्षा। गगना है शिक्षा द्वारा ही मनुष्य अपनी आत्मा और सत्य की खोज को कर सकता है। तो बच्चों ये हमने इसका अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन किया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा के सर्वभौमिकरण में बाधक तत्व। तो बच्चों इसमें हम जानेंगे कि शिक्षा में जो सर्वभौमिकरण की जो क्रिया है उसको बढ़ाने में कौन कौन से तत्व जो है वो बाधक है। तो सबसे पहला क्या है हमारा असमानता जो हमारा है शिक्षा का पहला पॉइंट है जो बाधक है शिक्षा का सर्वभौमिकरण के अंतर्गत। तो इसमें समस्या को समझ लेते हैं। असमानता शिक्षा के सर्वभौमिकरण में बाधक है जिसके कारण भारतीय शिक्षा का सर्वभौमिकरण नहीं हो पा रहा है। यह असमानता से असहाय है एक समान ना होना अर्थात समाज में सभी व्यक्ति एक समान नहीं है क्योंकि यहाँ जाति धर्म रंग लिंग स्तर योग्यता आदि क्षेत्र संबंधित असमानताएं पाई जाती हैं और स्तर एवं योग्यता संबंधी असमानताएं स्वयं व्यक्ति जनित हो जाती हैं। इससे शिक्षा के सर्वभौमिकरण में बाधक उपस्थिति होती है। मीन्स असमानता का अर्थ क्या है? एक तो पॉइंट हमारा असमानता का इस अवॉर्ड है कि यहाँ पे कई प्रकार के धर्म जाति रंग लिंग भेद के अनुसार अलग अलग व्यक्ति पाए जाते हैं जिसके प्रकार से ये मतलब शिक्षा का सर्वभौमिकरण नहीं हो पा रहा है। और दूसरी इसमें बाधक क्रिया क्या है इसके अंतर्गत असमानता कहाँ पाई जाती है? शिक्षा के स्तर पर भी असमानता पाई जाती है जिससे शिक्षा का सर्वभौमिकरण नहीं हो पा रहा है। समाज में कुछ वर्ग बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं कुछ वर्ग कम पढ़े लिखे हैं और कुछ वर्ग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं। ये भी एक प्रकार की असमानता है जो हमारे समाज में पाई जाती है और जो शिक्षा के सर्वभौमिकरण में बाधक होती है या पाई जाती है। दूसरा है विभेदीकरण जो है शिक्षा के सर्वभौमिकरण में बाधक अन्य तत्व विभेदीकरण भी है। या विभेदीकरण से आशा एक दूसरे में भेद करता अर्थात व्यक्ति में जाति धर्म लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर भी भेद किया जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारे समाज में विभेदीकरण बहुत देखने मिलता है कि हर कास्ट के लोग हर लोगों से मतलब भेदभाव करते हैं विभेद देखने को मिलता है। वो अपने आप को अपने ही ग्रुप में रहने की इच्छा रखते हैं और किसी और ग्रुप से या किसी और जाति के लोगों से बोलना पसंद नहीं करते। ये भी एक बहुत प्रकार का बाधक तत्व है शिक्षा के सर्वभौमिकरण में बाधक को बढ़ाता है। किस प्रकार? क्योंकि अगर समाज में विभेदीकरण को बढ़ावा मिलेगा तो शिक्षा में सर्वभौमिकरण की क्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगी और बाधक या हमारी बाधक मतलब क्रिया बनी रहेगी और समाज का उद्धार नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं शैक्षिक संस्थाओं में छात्र के प्रवेश अथवा इनकी क्रियाओं सेवाओं और सुविधाओं में भी किसी एक से नहीं होती धर्म जाति रंग अथवा जातीय उत्पत्ति का प्रयोग करने की नीति है। आप देख सकते हैं कि हर समाज के अंतर्गत अपने कास्ट के लोगों को ही बढ़ावा मिलता है तो दूसरे कास्ट के लोगों को बढ़ावा नहीं देते हैं नहीं उनका कल्याण या उद्धार के लिए सोचते हैं। ये भी बहुत मुख्य पॉइंट है विभेदीकरण का। फिर तीसरा पॉइंट हमारा है
सीमांतरीकरण, इसमें क्या है सीमांतरीकरण भी हमारे शिक्षा मतलब हमारी शिक्षा में बहुत बड़ा बाधक तत्व है। सीमांतरणकरण से आशा है सीमाएं बना देना अथवा सीमा रेखा खींच देना, अर्थात समाज में कुछ लोग ऐसे वर्गों से हैं जिनके लिए अन्य वर्गों के लिए सीमा बनाए हुए है। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ग के लोग भी हैं जो वर्तमान समाज में स्वयं ही अपनी सीमाएं बनाए हुए हैं, जैसे कि कुछ क्षेत्र के अंतर्गत ये हो जाता है, क्षेत्रों में होता है कि आप इन वर्ग ये वर्ग के लोग सिर्फ इस शिक्षा तक ही अपना शिक्षा प्राप्त करेंगे और इसके आगे शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक सीमा बना दी गई है कि उनको 800 जो नीचे जात के लोग हैं वो बिल्कुल ना पढ़े, थोड़ी ऊंची जात के लोग हैं वो 8 या 10 तक पढ़े क्लास तक, उसके बाद जो और ऊंची जात के लोग हैं वो अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं, उनके लिए कोई सीमा नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, समाज में सीमांतरण को बढ़ाता है और क्या होता है इससे सर्वमीकरण की शिक्षा में बाधक क्रिया उत्पन्न होती है। तो ये हमारे बेटा 3 मुख्य पॉइंट हैं जो शिक्षा के सर्वमीकरण में बाधक तत्व पाए गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ नया टॉपिक और हम जानेंगे कि उस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, तो आप नोट डाउन करते रहिए, अपने क्लास के साथ पढ़ते रहिए और अपना कोर्स पूरा करते रहिए ताकि एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत ना हो। तो फिर मिलते हैं हम आपके सामने एक नए क्लास में नए टॉपिक साथ। नमस्कार।